मैं आपका अपना होस्ट बाबा जी सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान के साथ सेव गुरुद्वारास एंड टेंपल्स ऑफ द पाकिस्तान हेरिटेज पेज एंड सिख पीरियड फुटस्टेप्स इन पाकिस्तान। मैं आज अपनी समझ लें कि मेरी ख्वाबगाह जिसको कि अक्सर मैं देखा करता था, मैं आज हूँ फोर्ट ऑफ द राजा तिल एंड बिल। 500 AD से लेके 700 AD तक ये टेम्पल्स बने हैं, सन गॉड के टेम्पल्स हैं। मैं बिलोट शरीफ की मगरिब की जान हूँ इस वक्त, और ये आपको जो नज़र आ रहे हैं सामने टेम्पल्स हैं राजा तिल और बिल के बनाए हुए। राजा तिल और बिल के मतलब मैं आपको बताता चलूँ कि ये हिंदू शाही के लास्ट राजा थे जो नॉर्थ वेस्ट में जिन्होंने अपनी हुकूमत की। इनके टोटल यहाँ पर 6 टेम्पल्स हैं, 4 के सामने नज़र आ रहे हैं, पांचवा ये है, सॉरी 7 हैं, छठे वाले पे मैं खड़ा हुआ हूँ, और बहुत डेंजरस जगह मैं जहाँ पर आया हुआ हूँ। ये देखें, ये छठा टेम्पल है फोर्ट ऑफ राजा तिल एंड बेल, 500 से 700 AD में इनके मतलब कहा जाता है। ये रोइंस है फोर्ट ऑफ राजा तिल एंड बिल, हिंदू शाहिद के लास्ट जो राजा थे ये उनका किला था। ये किले की बाउंड्रीज हैं। और ये मैं सन गॉड के टेंपल पे खड़ा हूँ। मेरे इस तरफ को पंजाब है और इस तरफ सारा NWFP KP के नॉर्थ वेस्ट है। एक टेंपल ये और बाकी 4 टेंपल बिलोट फोर्ट के 4 टेंपल्स, इसी तरह के नंदना, मैं आपका अपना होस्ट बाबा जी सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ द पाकिस्तान, और आज मैं आपको लेकर आया हुआ हूँ बिलोट फोर्ट। बहुत ही डेंजरस जगह, चढ़ तो गया हूँ, नीचे कैसे उतरूँगा। ओके, मैं इस वक्त सबसे टॉप की जगह पे हूँ खड़ा हुआ बिलोट फोर्ट के। ये ट्विन टेंपल हैं, उसके बाद ये सन गॉड का टेंपल एक, ये तकरीबन 1200 से 1400 साल पुराने टेंपल्स हैं। आई थिंक पाकिस्तान के अंदर ये कुल 9 हैं, 2 नंदना में हैं, 2 ओम शरीफ में हैं, और 7 ये हैं एक ही जगह के ऊपर। ये पूरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। मैं नीचे गिरने से भी बचना चाहता हूँ। ये देखिए, ये बिलोट फोर्ट की वॉल्स बिल्ट बाय राजा बेल एंड तिल, 500 से 700 AD में। मैं आपका अपना होस्ट बाबा जी सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ द पाकिस्तान, सेव गुरुद्वारास एंड टेंपल्स ऑफ द पाकिस्तान।